आगरा में? आगरा में कहाँ रहते हैं? आगरा में सम्मुख नगर नैयाबाद धनौली आगरा। सम्मुख नगर नैयाबादी और जिसको धनौली आगरा। सम्मुख नगर दैया नैया सही से होता ना, घर जाना पड़ता है मेरे को। सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर धनौली आगरा। सम्मुख नगर नई आबादी कॉलोनी है ये है धनौली जी। ये मुख्य आगरा से जो अंदर की तरफ जाके रोड जा रहा है उसके इधर उल्टे हाथ में गोल चक्कर से अंदर उल्टे हाथ में गोल चक्कर से अंदर की तरफ जाके जो कॉलोनी बसी हुई है कॉलोनी गलियों में रहता है। गलियों में पहला का छोड़ के दूसरा बाजार सा है ना बाहर की तरफ जी। बाजार सा बाजार से अंदर दुकानें बनी है बाहर अंदर की तरफ जाके नीचे की तरफ घर नीचे रहते हो? नहीं सरौली मोड़ है नीचे है ना पड़ाव में। तू बोल रहा नहीं तेरे पापा कह रहे हाँ एक जना हाँ बोलो नहीं तो मैं किसी और का घर चेक कर आऊंगा जाके नीचे की तरफ जाके बाबूजी घर का पता बताओ पूरा वो बताओ घर नंबर होगा ना कोई तो। सरौली मोड़े उसमें अंदर जाओगे सम्मुख नगर बोर्ड लगा है गुलाब हलवाई की दुकान है हलवाई की दुकान के सामने उसमें अंदर जाओगे 7 नंबर गली सीधे हाथ पे पहला का छोड़ के दूसरा मकान। अच्छा ये ऊंचा चौथरा बना है हाँ और उसके सामने टूटा फूटा सा मकान है ना और टूटा सा मकान है सामने सामने घर बने हुए पथरीली सी गली है जी। घर में मुखिया पापा नाम बताओ भीम नरेश सारा देख लूंगा ना मैं कुल गोत्र पितर वितर सब सिद्धि साधना करता है जी। विष्णु भगवान की काली माता की और हनुमान जी की जी। तो मेरे पास क्यों आया? घर में पितरों का अच्छा तरंग है कोई मलिनता नहीं बीच में किसी ने छेड़छाड़ कर दी थी जापुर जाके एक साथ जी। और शरीर में बार बार धक्का दिया जा रहा है पहले कुछ महसूस होता था अब बंद हो गया है इसलिए आया। मैं ये पूछना आया हूँ मेरे पास शक्तियाँ हैं बहुत सारी हैं मतलब मुझे नहीं पता कितनी सारी शक्तियाँ 5 और 2 6 7 चीजें हर देवता के दर्शन कर चुका हूँ पर मुझे आज तक ये नहीं पता मुझ पे क्या शक्ति। राहु देवता के भी दर्शन किए तुमने? जी नहीं वैसे सोम देवता के भी नहीं मैं बहुत सारी मैं ऐसे बता सूरज देवता की भी उपासना की है जी डेली करता हूँ। बहुत बढ़िया कल ही मैंने रामायण समाप्त किया कल हनुमान जी का वो किया है। कितनी उम्र है? 25 है। 25 साल की उम्र में पूरी रामायण समाप्त कर दी और सूर्य देव की उपासना कर दो ताली बजा दो इसके लिए। आप लोग अपने बच्चों को सिखाओ कि हमारे धर्म की किताबें पढ़े समझ गए। लोग सोचते हैं फालतू की चीजें क्या फायदा करके हटाओ। अभी इस समय मेरे अंदर है देखो क्या है जी शरीर में भरती है 3 चीजें तीन चीजों ने जगह बना रखी है। अब तू ये बता तेरे को मूल रूप से क्या चाहिए और किसका संपर्क जुड़ना है क्योंकि अभी ना दिखाई दे रहा ना संपर्क जुड़ रहा ना सुनाई दे रहा सोते हुए झटके लग रहे होंगे कितना भी सो ले नींद पूरी होनी भी होगी समझ गया क्योंकि तो, शरीर में अभी तो 3 दिन से मैं सोया ही नहीं हूं क्योंकि शरीर के साथ हो रही है छेड़छाड़। कौन जैसे सर पे हाथ रखवा क्या था? मैं तो बहुत सारे बड़े बूढ़ों के हाथ मैं तेरे को पहचान बताऊंगा लेकिन अभी फोन पर रहने देते समझ गया बेचारा बूढ़ा आदमी। आप बंद करो मैं ठीक करता हूँ। क्या नाम है? ब्रजमोहन। मैं संपर्क जोड़ रहा हूँ सारी सिद्धियाँ मूल रूप से साफ करके और जो तांत्रिक छेड़ रहा है ठीक है उसको काट रहा हूँ संपर्क को ठीक है। गुरु बनाएगा शिव को काम करेगा अपने रूप से भले ही चाहे गद्दी लगा ले लेकिन अभी पकने की जरूरत है कम से कम 1 महीना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा इसे ठीक है बाबू जी। बढ़िया लड़का है एकदम क्या सिखा दिया इसे ये सब और ज्यादा समय भी नहीं हुआ ये भाव तो इसका बचपन से ही है। स्वप्न दर्शन होते होंगे ना इसे सबसे पहले स्वप्न दर्शन ही होते हैं ईसाई भगवान के गुरु और सरदार भगवान के और मस्जिद वगैरह बहुत बड़ी बड़ी और भोलेनाथ और भी बहुत सारे देवता है गुरु गोरखनाथ है जाटपुर वाले बाबा है 5 बाबरी है और आपके काली माता है काली माता है वैष्णो दर्शन है ताकतवर और एक मैं काफी समय से जाप करता हूँ सुबह शाम और बचपन से पूजा पाठ करता हूँ मशानी भैरव है ताकतवर और मैं हर महीने सुंदर कांड भी करता हूँ पूरे हर महीने सुंदर कांड भी करता हूँ। सिद्धि तो इसके पास आ जाएगी जैसे हम जब बहुत ज्यादा साधना या प्रार्थना करते हैं ना तो अपने आप देवता के एक एक मुझे सवाल भाव अच्छा ना अभी क्या बताया भाव सब पर क्या है एक सवाल है मेरा भाव के भगवान है तरंगों के भगवान है सारी ऊर्जा है आपने पूछी 1 महीने पहले
ने कहा दो सिद्धि दी नहीं दो अभी काम है, मेरी वीडियो तो आएगी, वीडियो आएगी, मैं कहना चाहता था कि वीडियो आए। क्यों नहीं आएगी भाई, तेरे को देख के हजार आदमी, तेरे उम्र के जो बच्चे फालतू के गंदे काम कर रहे, दारू पी रहे, इधर उधर घूम रहे, आधी महिला आती है भैया दारू पीता है मेरा लड़का छुड़वा दो। वर्दी वाले देवता कौन है मेरे साथ? वर्दी वाले देवता भाई कई बार होते हैं हमारे पितर, कई बार होता है क्षेत्रफल, और कई बार होता है हमारा ग्राम देवता, तो मैं वो देख लेता हूँ और उसको बुला। आप बताओ ठीक है, आप दो वर्दी वाले देवता। मैं देख आप बताओ वर्दी में अमर सिंह पवन है या समर सिंह बावरी है? दो बावरी है, केसरमल बावरी, समर सिंह बावरी, जो वर्दी वाले है दोनों है, पांचों वर्दी में रहते हैं। हाँ तो इसके बाद तो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, मेन वही है दोनों, जो बंदूक लेता है दोनों ही होते हैं, किले में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? दृश्य दृश्य वर्दी में और तो वो बावरी है भाई, दोनों गंदी शक्तियों को मारते हैं, मेरी सहायता करते हैं। एक की दाढ़ी साफ है, एक के कान बड़े बड़े हैं, शरीर शुडौल सा है और बढ़िया शरीर है, एकदम लंबे चौड़े, लंबे चौड़े हैं, शुडौल शरीर में उसी को कहते हैं। और किले में कोई आप किले में तो दिखेंगे ना भाई, लड़ाई तो वहीं से चली आ रही है। ठीक है वो तो कोई नहीं, शरीर में भी है, तो इनका संपर्क जोड़ दे सारी सिद्धियों से, इस लड़के का खोल दे तत्व और प्रीतम धाम से जोड़ दे, ताकि कोई भी मलिनता इसको छेड़े ना और दोबारा कोई तांत्रिक इसे पंगे ना ले। और इसके अंश देख, दो अंश पकड़ के इसके बांध दिए, ऊर्जा कम हो जाती है शरीर में, रात को ठीक सोता है, सुबह उठ के शरीर ऊर्जा क्षीण हो जाती है। चलो बाबा खुल के आओ, क्या बात है राजा, जब आना है तो खुल के आओ। नाम गुरु गोरखनाथ का, नाम 84 घंटे के मालिक माता मचाने का, अरे नाम तुझे माता मदानन का, माता चौगानन का, अरे दादा बूढ़ा हो गया क्या, बच किधर आ कुछ पवन सबल सिंह बावरी कहते हैं, अरे 64 योग ने 56 कबीलों का भार लेके चल रहा दादा महाराज, अरे देवता महाराज जाप थोड़ा कम है अभी, ऊर्जा भी कम है, मैं भरता हूँ, आप बंद करो। उस प्रकार से नहीं, अभी घर में था और इसके साथ मैंने औरत बताई थी, तभी तो 5 किलो आदमी दोनों है माता जी, औरत उस पे थी पिछली बार आई थी, कोई बात नहीं, आदमी उसमें बताया था, इस पे औरत बताई थी, आज तो आएगी उसके शरीर के साथ दबाव, कोई नहीं आज से आराम पड़ जाएगा, तू उठा ले सारा। ऐसे ही है, अभी समय लगेगा, अभी थोड़ा दिन जमना पड़ेगा, शरीर के साथ छेड़छाड़ हो गई है ना, खुल के आएंगे देवता बढ़िया बढ़िया है भाई, तेरे को तो देख के दिल खुश हो गया। तो इसने मेरे पास आने को क्यों सोचा? जगत कल्याण की शक्ति का, लोक कल्याण के लिए तूने मुझे ही क्यों चुना? और इन्होंने ही चुना है, मैंने नहीं चुना, मतलब शक्तियों ने मुझे चुना रहे, मैं तो छोटा सा प्रेत हूं भाई। अचानक ही प्लान बना दिया, कल रामायण समाप्त किया, हवन किया, अकेले ही नहीं पढ़ाए, इसलिए अकेले ही पढ़ता हूँ 24 घंटे लगातार बैठ के। भाव जुड़ गया तेरा मेरे से है? झाट पीर बाबा गोगा मेडी तीनों आ रहे, पंच पीर पूरे पांच हो। शाम को और कौन है? है शाम को और कौन है? वो भी वर्दी में दिखाई देती है लेडीज, बंदे भी बता रही है लेडीज, माता शाम कौर थोड़ी विधवा जैसी है और चेहरा ऐसा दबा दबा है, सफेद कपड़े पहनती है और एक घाघरे में पहनती है, सुंदर सा राजस्थानी जैसा कुछ पहना हुआ है, दो रूप में दिख रही है, एक धुला हुआ एक श्रृंगार वाला। जो नाचे उसको भी नचाएंगे।